नमस्कार प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए न्यूज पीआर के साथ। बिहार में चुनावी दंगल। लोकसभा चुनाव के 4 सीटों पर मतदान हो चुकी है और 5 सीटों पर मतदान के लिए सारे प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर इतनी जो भी सीट पर महिला उम्मीदवार है, इन 4 महिला उम्मीदवारों की नाम चर्चा में क्यों है। लोकसभा में सीटों पर तमाम तरह के प्रत्याशी हैं, लेकिन 4 वो चेहरे जो काफ़ी मायने रखते हैं। अगर बात की जाए पहले मुंगेर की, तो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी 60 के उम्र में शादी कर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और जदयू के ललन सिंह के खिलाफ आरजेडी से टिकट उन्हें मिलता है और मैदान में उतरती हैं। और बात अगर की जाए मुंगेर की, तो मुंगेर लोकसभा सीट हॉट सीट इसलिए बन गया क्योंकि जिस तरीके से 60 वर्षीय बाहुबली अशोक महतो शादी करते हैं और शादी करने के बाद अपनी पत्नी को राजनीतिक चुनावी मैदान में उतारते हैं, क्योंकि बाहुबली छवि है, वो लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए अनीता देवी चुनावी मैदान में कूदती है और देखते ही देखते मुंगेर हॉट सीट बन जाता है। शिवहर की अगर बात कर ली जाए, आईएएस कनेक्शन बताया जा रहा है। एक तरफ लवली आनंद तो दूसरी तरफ रितु जायसवाल, एक आईएएस की सास तो दूसरी पूर्व आईएएस की पत्नी रितु जायसवाल। राजपूत वोट बैंक मायने रखता है मुंगेर में, इसीलिए सीएम नीतीश ने गेम प्लान बदल दिया और मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आईएएस कनेक्शन के साथ बाहुबली आनंद मोहन चुनाव लड़ नहीं सकते, सजा याप्त थे, वो जेल से बाहर आए। उसके बाद लवली आनंद को पार्टी ने टिकट दिया, नीतीश ने भरोसा दिखाया और चुनावी मैदान में उतर गए। आरजेडी की शेरनी रितु जायसवाल तो जदयू की शेरनी लवली आनंद चुनावी मैदान में है और चर्चाएँ तेज हो रही है इन महिलाओं की। पूर्णिया जो त्रिकोणीय हॉट सीट सबसे ज़्यादा बिहार में बन चुका है हॉट सीट, तो वो है पूर्णिया सीट। पूर्णिया सीट इसलिए क्योंकि तेजस्वी ने हार मान लिया, पप्पू यादव ने अपना दम दिखा दिया, तो चर्चा में आ गई बीमा भारती। जी हाँ, बिल्कुल, बीमा भारती चर्चा में आ गई। बीमा भारती लगातार पप्पू यादव के खिलाफ रणनीति तैयार करती रह गई। पप्पू यादव सिंपैथी वोट ले लिए, वो रोते हुए नजर आए जनता के बीच में, साफ तौर से कह दिया कि पार्टी का मेरा विलय कर दिया, पार्टी का भविष्य को खत्म कर दिया, अब मुझे खत्म करना चाहते, यानी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, पप्पू यादव होते हुए आरोप लगाए थे। और देखिए तीसरी सीट की बात मैंने आपको बताई, चौथा सीट के बारे में भी न्यूज पीआर आपको बता देता है। समस्तीपुर और सबसे कम उम्र की उम्मीदवार शांभवी चौधरी, जो अशोक चौधरी की बेटी है, वो चुनावी मैदान में समस्तीपुर से उतरी है। लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से उन्हें टिकट मिलता है, चिराग पासवान भरोसा दिखाते, शांभवी चौधरी चुनावी मैदान में उतरती है। उनके खिलाफ अब आरजेडी ने रणनीति तैयार की, महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 4 सीटों पर इन 4 महिला उम्मीदवारों का चर्चा तेज हो गई है। और देखना होगा कि क्या लवली आनंद रितु जायसवाल को टक्कर दे सकती है, समस्तीपुर में क्या शांभवी चौधरी सनी हजारी को टक्कर दे सकती है, और पूर्णिया में क्या पप्पू को बीमा भारती टक्कर दे सकती है। मुंगेर की अगर बात की जाए, तो क्या मुंगेर में बाहुबली अशोक महतो की पत्नी जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को टक्कर दे सकती है। देखिए लगातार चुनावी आंकड़ाएँ तो सामने आती है, न्यूज़ पीआर आपको हर एक वो खबर बताती है, अंदर की भी खबरें बताती है, लेकिन बिहार में जो 4 महिला उम्मीदवार हैं उनकी चर्चा आखिर तेज होती है, तो सवाल उठता है, और जिस तरीके से सवाल उठता है तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाती है कि जिस तरीके से पूर्णिया, शिवहर और उसके बाद मुंगेर और समस्तीपुर ये हॉट सीट बन चुका है। लेकिन इस बीच में सबसे ज़्यादा हॉट सीट की बात की जाए तो वो सिर्फ 2 ही है, पूर्णिया और शिवहर। एक और आईएएस कनेक्शन तो दूसरी तरफ दिखी जाए तो कम उम्र की उम्मीदवार शांभवी चौधरी, तीसरी तरफ पप्पू यादव को ख़त्म करने वाले बीमा भारती। अब देखना होगा कि इन 4 टक्कर में बिहार के दंगल में लोकसभा चुनाव में कौन आगे निकलती है।